अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मटन के अंदर करेले गोश्त बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। ये मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ये कराची की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं करेले ये। और इसके लिए मैंने ये करेले इस तरह काटे और इसको मैंने काफ़ी सारा मैंने नमक लगा के इसको एक टोकरी में रखा हुआ है। अभी मैंने धोए नहीं है करेले, नमक लगा के रखा है। 1 kg के करीब करेले हैं ये। मैंने इसको गोल गोल करेले ये काट लिए मैंने और इसको मैंने एक टोकरी में नमक लगा के रख दिए। मैंने 1 cup हम ऑयल लेंगे और 1.5 पाव के करीब मटन का गोश है, हड्डी वाला गोश है। और 1/2 kg मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल स्लाइस में काट लिया है। 4 अदर टमाटर लिए मैंने, 4 अदर टमाटर हैं। 1 teaspoon मैंने नमक का लिया है, 1 teaspoon हल्दी है, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है और सारा गरम मसाला मैंने साबुत लिया है। बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, थोड़ी सी चंद दाने मैंने इमली के लिए, 2 जवे मैंने बड़े वाले लहसुन के लेके इसको छील लिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 teaspoon लिया है। 1/2 गट्ठी मैंने हरे धनिए के लिए, 2 अदद हरी मिर्चें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ा देंगे। गोश्त को जिस तरह हमने मसाला डाल के करना है वो आपको मैं बताती हूँ मैं किस तरह रखने लगी हूँ आज। पहले प्रेशर में मैं सबसे पहले मटन का गोश्त धो के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने, इसमें मैंने 1/2 cup मैंने कप ना इसमें ऑयल का शामिल करना है, बाकी मैं करेलों के अंदर शामिल करूंगी। टमाटर शामिल कर दिए हमने, लहसुन शामिल किया है मैंने, शामिल करूंगी नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला साबुत गरम मसाला, बस। प्याज हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसमें हम पानी शामिल करके 1/2 cup पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। प्याज हम अभी नहीं शामिल करेंगे इसमें। हमने इसमें नमक काफ़ी सारा मैंने इसमें नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 kg के करीब करेले हैं तो इसमें मैंने नमक ज़्यादा डाला है। इसको मैं अच्छे तरीके से ज़ाया नहीं करने, इसको हम 4-5 दफ़ा निचोड़ेंगे अच्छे तरीके से पानी के साथ और इसमें से जो कड़वास है सारी हमारी जो भी करेलों के अंदर है वो निकल जाए। ये देखें गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। जो है अच्छे तरीके से गल गया है, इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसको एक साइड पे करूँगी और करेले और प्याज को फ्राई करूँगी। अब हम करेले फ्राई करेंगे और करेले फ्राई करने के लिए मैं इसके अंदर आप घी डालें या ऑयल इस्तेमाल करें या आपकी मर्ज़ी है। या 1/2 cup मैंने घी इसमें शामिल किया है। कपड़े के साथ अच्छे तरीके से इसको मैंने खुश कर लिया है, नमक लगाया हुआ था, इसको मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से धोए हैं और इसको भी मैंने कपड़े की मदद के साथ अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। करेले शामिल करेंगे घी के अंदर। मैंने ये गरम मसाला पाउडर जो रखा था ये शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैं काट के इसमें शामिल करूंगी। ये करेले हमने ज़्यादा हमने नहीं करने, बस हल्के हल्के से फ्राई करने इसको। ये देखिए बस लाइट से ब्राउन करने इसको, ज़्यादा नहीं मैंने फ्राई करने ना। मटन का गोश्त हमने जब रखा था, हमने मटन का गोश्त धो के डाला है इसमें प्रेशर में। उसमें 1/2 cup मैंने ऑयल का शामिल करा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला साबुत और टमाटर और लहसुन।
सिर्फ ये डाल के मैंने इसको प्रेशर को बंद कर दिया। जब गोश्त गल गया, इसमें अभी प्याज नहीं डाला, प्याज मैं फ्राई करके एंड में शामिल करूँगी। अभी पहले करेले हम पहले डालेंगे, फिर बाद में प्याज फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गए हैं, बस ज़्यादा हमने फ्राई नहीं कर लिया। अब हम इसको गोश्त में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन किए, देख लें आपके सामने, इसको मैंने क्रिस्पी नहीं बनाया। और ये कड़वे भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं कड़वे बनेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है नमक लगा के, और 3-4 पानी के साथ मैंने धोया है इसको। जो रखा था मैंने इमली थोड़ी सी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। और इस करेले फ्राई किए, इसी के अंदर मैं प्याज फ्राई करूँगी। ये इसमें प्याज की लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे करेलों के साथ। करेले मैंने अच्छे तरीके से इसमें मैंने मिक्स कर दिए, देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब इसके अंदर जब मैं प्याज शामिल करूंगी तो फिर इसको दम पे रखूंगी। देखिए प्याज भी हो रहा है, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब किया करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें। ठीक है, प्याज फ्राई हो गया, अभी हम इसको भी गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। ये प्याज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल। अब हम इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर आपको डिशावर करके दिखाऊंगी। हम इसको डिशावर करने लगे। ये देखें हमारी करेले गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।